तो हेलो वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो यार आज जो है ना भाई वो हाँ भाई, तो हमारी पिछली वाली वीडियो में भाई हमारे भाई ने कमेंट करा था कि भाई एडिट भाई कैसे करते हैं वीडियो को। तो भाई एडिटिंग तो भाई मेरे को भाई कोई खास ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, बट भाई जितनी भी आती है भाई मैं बता दूंगा भाई। हाँ तो भाई देखो भाई एडिटिंग का भाई पहले आप लोग सैंपल देख लो भाई, ये वीडियो बनी हाँ। तो फ्रेंड्स यार पहले आपको इस टाइप से कुछ कुछ फ़ोटो ले लेनी है, जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, बट भाई आपको बस इसी टाइप की आपको फ़ोटो ले लेनी है। वैसे भाई मैं गेम में करके दिखा रहा हूँ, जो आए तो कार टेक्सचर सर्च करना भाई यूट्यूब पर, उसको डाउनलोड कर लेना। तो आपको 4K क्वालिटी पर रियल कार की इसी टाइप की इमेज नहीं, पूरा भाई वीडियो ही मिल जाएगा। 2 से 3 मिनट का होगा, उसकी आप लोग क्लिप ऐसे कट करके बना सकते हो। वैसे भाई कर हाँ तो फिर भाई एडिट कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको कैपकट एप्लीकेशन में आ जाना है। इधर पे भाई मैं अपने अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, मैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ वही फ़ोटो और वीडियो। पहले भाई यहाँ पहले आपको एक ब्लैक स्क्रीन ले लेनी, स्टॉक वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद भाई फ़ोटो वीडियो सेलेक्ट कर लेना। हाँ तो फ्रेंड्स यार देखो अब भाई इसके बाद यहाँ पर से मैंने साउंड को पहले ही से इंपोर्ट कर रखा है, तो भाई मैं वहीं पर से उस साउंड को यूज कर लेता हूँ। अगर अगर इसे आप लोगों ने नहीं करा होगा, कह रहे भाई ये वाला है साउंड नंबर। तो हमारे हमने जो है ना वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जिससे कि सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पर जाना है बीट वाले सेक्शन में। तो भाई साउंड को एक बार सुनना, तो भाई आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ बीट है। तो भाई वहीं पर आप लोग ऐसे ऐड करते जाना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। या तो भाई ऑटो जनरेट वाला भी ऑप्शन है उस पर, बट उतने ज़्यादा अच्छी भाई नहीं बीट ऐड होती है। इस तरह से हम अपने हिसाब से कोई भी तरह की बीट ऐड कर सकते हैं। अब जो है ना अब भाई सबसे पहले भाई रेशियो को तो भाई सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि भाई सबसे बड़ी अभी तक हम लोगों ने गलती ये करी कि भाई वो शॉर्ट वाला अभी तक रेशियो ही नहीं सेलेक्ट करा, कर लिया था हमने। तो भाई ऐसे जो है ना फिर आपको इसको जूम कर लेना है, चाहे तो आप क्रॉप कर सकते हो भाई, जूम करना इजी है। फिर भाई जो बीट है ना वहाँ पर आपको स्प्लिट करके आगे का हिस्सा डिलीट कर देना। इस तरह सारी फाइल्स पर करने के बाद ऐसा लग रहा है हमारा वीडियो। हाँ तो बट अभी जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा बेसिक लग रहा है वीडियो हमारा। इसके बाद जो है आगे भाई इफेक्ट वगैरह भाई ऐड में इसलिए नहीं कर पाया पहले, हाँ पहले शुरुआत में भाई ऐड वगैरह लिख करके शुरुआत के जो इसके ऊपर भाई सुपरा के हम कर रहे थे, तो भाई सुपरा का वो कर लेते हैं इसको। भाई भाई जो की फ्रेम वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है ना भाई, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ वीडियो में। हाँ तो भाई यहीं इसी के सहारे भाई इसको वो करना है आपको, जैसे जैसे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले भाई इसको पहले इधर पे की फ्रेम ऐड करके इसको एकदम छोटा कर देना, जिससे कि भाई लगेगा कि छोटे से बड़ा हो रहा है लोगो। हाँ तो भाई काफ़ी सही लगता है। अब भाई सेकंड की फ्रेम भाई मैंने 20 से थोड़ा आगे ऐड करा है। अब भाई एक एंड के वक्त भाई एक की फ्रेम ऐड करके इसको मैं फुल साइज कर देता हूँ। हाँ तो भाई अब देखो यार हमारा जो है ना रिकॉर्डिंग के वक्त भाई कैपकट काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था, तो भाई उसके लिए भाई मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरा फ़ोन भाई बेकार है वैसे भी। तो भाई एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ बाकी, तो भाई सब आप देख सकते हो। इसी तरह मैं सारी क्लिप पे एनिमेशन यही वाला ऐड कर लेता हूँ, आपका जो मन हो दूसरा कैप एनिमेशन ऐड कर लेना आप लोग। तो भाई आप लोग देख सकते हो भाई मैं बता रहा था लैग, तो भाई वो ढंग से भाई दिखा भी नहीं है वीडियो। तो भाई मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, और शुरुआत में भी दिखा ही दिया था वीडियो। तो भाई अब इसके बाद जो है ना भाई ये जो शुरुआती वाला जो इफेक्ट है ये जरा डाउनलोड है, इसको आपको सारे वहाँ पर जहाँ पर जो स्प्लिट करा ना वहाँ पर ऐड कर देना है। हाँ तो भाई उतना भाई मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि भाई ये रिकॉर्डिंग भाई फिर से क्रैश कर गई, बंद हो गई यानी अपने आप।
हाँ तो फिर भाई आप जो है ना उसको इफेक्ट वगैरह के रखने के बाद का आप वीडियो देख लो आगे।